बदलापुर में स्कूल के बच्चे के ऊपर वहाँ के एक नराधम ने लैंगिक अत्याचार किया। घटना के तीव्र पड़साद पूरे देश भर तैयार हुए, काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए। घटना अच्छी नहीं है, जो है उसको तो फांसी होनी चाहिए। स्कूल ने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की, पुलिस ने FIR जल्द दाखिल नहीं किया। पता नहीं अभी ये कितने साल केस चलेगी, नीचे कोर्ट में जाएगा, हार गया तो आदमी अपर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, 25 साल बाद में निर्णय आएगा, ये सब मालूम है हमको। तभी भी बदलापुर में जो लोग उस दिन एक फुल दिन पूरे दिन के लिए लोग रास्ते पे आए, देश के प्रॉपर्टी का नुकसान किया, रेलवे ट्रैक बंद कर दिया, आज लोकल मुंबई की जो है वो लाइफलाइन भूली जाती है, लोगों ने वो रोक लिया, कुछ मॉब हिंसक हुआ, स्कूल की तोड़फोड़ किया, तो क्या ये अप्रिशिएबल है? मतलब ये क्या ठीक है? ये आप देखते हैं तो उस दिन जो वीडियो वायरल हो गए उसमें यही है कि हजारों लोग रास्ते पे है और उनकी डिमांड ये फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सुनेंगे नहीं। अरे भाई, हमारे यहाँ के कायदे कानून सबको तो मालूम है कि एक दिन में फांसी होंगी क्या? उसको पकड़ा गया, वो अंदर है ना, जेल में है ना, फिर जेल में क्या फांसी देंगे? और लोग 10,000 लोग समझो रास्ते पे आ गए, फांसी दो बोल रहे, तो क्या उसको तुरंत उस दिन फांसी दे देंगे? पॉसिबल तो भी है क्या? मगर लोग कुछ भी कर लेते, ये मॉब साइकोलॉजी है, कुछ भी कर लेते, और फिर ये प्रॉब्लम है। लोगों ने ये देखना चाहिए कि ठीक है जो भी हुआ, ठीक नहीं हुआ सवाल ही नहीं, कठोर से कठोर सजा उसकी दी जाएगी और देना ही चाहिए, फांसी देना चाहिए। मगर ऐसे रास्ते पे आकर देश के प्रॉपर्टी का नुकसान करना, स्कूल के प्रॉपर्टी का नुकसान करना, अपना जो लोग आए और जिस दिन उस दिन जो लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे, कितने मैन आवर्स वेस्ट हो गए, काम पे नहीं गए लोग, उन्होंने काम नहीं किया, जो आंदोलन कर रहे थे वो काम पे नहीं गए, बाकी लोग जिनको जाने नहीं दिया वो काम पे नहीं गए, क्या इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा? तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। हर एक के अपने अपने मत हो सकते हैं डेफिनेटली, मगर ये तरीका नहीं है आंदोलन करने का। और फिर विरोधी पार्टी ने भी महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया, अच्छा हुआ कोर्ट ने उनको बताया कि नहीं ये नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आज पूरा महाराष्ट्र बंद कर दे के फिर वही है लूटा लूट करना, तोड़फोड़ करना, दुकानें बंद करना, उससे हम आगे जाने वाले कि पीछे आने वाले दोहर? तो कायदा कानून है महाराष्ट्र में, तो कायदा कानून अच्छा ही चलता है, कोई सवाल ही नहीं है। मैं कोई भी पार्टी का नहीं हूँ, मगर जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा कभी हुआ तो फिर लोगों ने ऐसे रास्ते पे नहीं आना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।